स्क्रीनिंग कमेटी ने प्रत्याशियों के पैनल बना दिए हैं। दिग्गज नेताओं की मांग है कि जल्द ही टिकट अनाउंस कर दिए जाएं। तो जल्द ही चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की तैयारियां चरम पर है। हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में पार्टी का हर नेता हर कार्यकर्ता अपना 100% देने को आतुर है और आप देख रहे हैं कि बहुत जल्द 2 तारीख को भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी मध्य प्रदेश की भूमि पर प्रवेश कर रही है। तो हमारे कार्यकर्ता बड़े ही उत्साह से लवरेज हैं और जो जिस तरह से हमारी तैयारी आप देखेंगे कि आने वाले समय बहुत जल्द हम एक लोकसभा प्रत्याशियों की सूची भी जारी करेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में हम माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, खड़गे साहब के नेतृत्व में और राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन आशीर्वाद में हम 12 से 15 लोकसभा सीटें मध्य प्रदेश में जीतेंगे। आपने हमने सबने देखा कि विधानसभा 2023 के चुनाव में भी मध्य प्रदेश कांग्रेस बोली थी कि हम भारतीय जनता पार्टी के पहले कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे, परंतु देखने में ये आया कि भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए, चुनाव प्रचार चालू हो गया। तब तक की फॉर्म भरने की तारीख आ गई तब तक भी कांग्रेस गुटी राजनीति में लड़ती रही, आपस में झगड़ते रहे और अंतिम समय तक सूचियां फाइनल अपने उम्मीदवारों की नहीं कर सके। वही कांग्रेस है, वही प्रदेश है। अब वो फिर कह रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव में हम सूची पहले जारी कर देंगे उम्मीदवार की। अब देखना, कांग्रेस के लोग आपस में लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे और सूची फाइनल नहीं करेंगे और अंततः परिणाम वही आएगा, भारतीय जनता पार्टी सूची भी पहले फाइनल करेगी और चुनाव भी 29 की 29 सीट पर जीतेगी। का बंटवारा कर दिया जाए तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की राह पर कांग्रेस किस तरह से पलटवार किया है बीजेपी प्रवक्ता ने, वो आपने सुना। और अब कांग्रेस में कई दौर की बैठकें पूरी हो चुकी हैं। शैलेंद्र चौहान भोपाल से हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र चौहान का ही रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, चुनाव का वक्त नजदीक है, ऐसे में सियासी सरगर्मियों में भी तेजी देखने को मिल रही है। देखिए बिल्कुल, मध्य प्रदेश की बात करें तो भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल अपने प्रत्याशियों के चयन को लेकर सक्रिय हैं। भले ही अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, आचार संहिता लगना बाकी, लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी एक नया पैटर्न लेकर आई थी और आचार संहिता लगने के पहले, चुनाव की घोषणा के पहले ही बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी थी। उसी तरह कांग्रेस भी इस बार सक्रिय है और कांग्रेस का दावा है, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी कहा है कि हम इस बार अपने प्रत्याशियों की सूची जल्दी जारी करेंगे और इसकी कवायद भी कांग्रेस में काफी तेजी से चल रही है और इसीलिए पहली बार है कि स्क्रीनिंग कमेटी ने अपनी बैठकें कर ली और दो दो तीन तीन नामों के पैनल्स भी तैयार कर लिए हैं। अब यह देखना होगा कि आखिर यह सूची कितना जल्दी आएगी, क्योंकि कांग्रेस की एक परंपरा है, हम विधानसभा चुनाव भी देखें तो उस समय यह देखने में आया था कि प्रत्याशियों के नाम को लेकर पीसीसी तत्कालीन जो अध्यक्ष थे कमलनाथ, उन्होंने ऐलान किया था कि हम सबसे पहले सूची जारी करेंगे, लेकिन आखिर में धीरे धीरे काफी समय लगा। लेकिन इस बार पीसीसी का चेहरा बदला है, संगठन में भी काफी बदलाव की बातें हैं, तो अब माना जा रहा है कि इस बार कांग्रेस बीजेपी को चौंका सकती है और अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा पहले कर सकती है। बिल्कुल नजर आएगी। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बात मुरैना